हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ऑफ लाइफ ओडिया ब्लॉग। आज ब्लॉग को पुनी थरे आपण मानको स्वागत करुची। आज जो वीडियोटा मु आपण मानको सहित डिस्कस करी स्पेशली मो सखी मानको पई। आज वीडियो टोटली डेडिकेटेड टू ऑल माय सखीज। तो ये होची सखी टॉक। तो आज आम सखी टॉक करवा गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक विषय। आम आम डेली रूटीन रे बहुत सारा जिनस प्रोडक्ट यूज करती, जमीक फेस पर थाइटून मॉइश्चराइजर फेस वाश बहुत किसी जिनस फेस इन्वेस्ट करती, सेमती हेयर उपर भी इन्वेस्ट करती। हेयर को सिल्की शाइनी स्ट्रॉन्ग चुटी फाटी जाऊँगी सब किसी आम कि प्रोडक्ट यूज करती हेयर को स्ट्रॉन्ग हेयर को हेल्दी बनवाप स्किन को हेल्दी बनवाप। बट आम आम डेली रूटीन रे बहुत बड़ा गोटे इम्पोर्टाट जिनस सब इग्नोर कर जोटा कि हूँ आम इंटीमेट हाइजीन वाश, जोटा कि एवरी वुमेन एवरी माने झीओ हो बा महिला हो बा जी भी हो गोटे रखा कथा निहाती पाखरे। बट आम डेली रूटीन रे ताको सब बेले इग्नोर कर चलती ए भाविकी कि हाँ इंटीमेट हाइजीन वाश रखा कौन निहाती दरकार, सेमती तो आम सोप्रे भी वाश कर पारिबा ना। बट सेमती किछि नाही, आपण जदि एमती भावुछन्ती ताले एमती भाविबा छाड़ंतु। कहीं इंटीमेट आमर जो इंटीमेट पार्ट गुड़ाक थाए सेंसिटिव थाए से आमर बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाए, इरीटेट हो जाती आम से रेडनेस हो जाए, इचिंग हुए, बहुत किसी इन्फेक्शन हो जाए। स्पेशली पीरियड्स टाइम आम बहुत किसी ये सब प्रॉब्लम फेस करते, स्पेशली सखी मैंने जापे जो प्रॉब्लम विषय मुझे कह चाहिए। तो ये सब प्रॉब्लम को आखि आगे रखिकी आमको निहाती गोटे इंटीमेट हाइजीन वाश ऊपर इन्वेस्ट करिबा कथा, जोटा को कि आम डेली रूटीन रे इग्नोर करती ए भाविकी जे आ उपर इन्वेस्ट नक चलो। बट एमती किसी जिनस आम हेयर पर स्किन एमती इग्नोर करती, बट इम्पोर्टेंट पार्ट जोटा आम बॉडी रो इंटीमेट पार्ट से आम अवॉइड करते, जोटा कि वेरी सेंसिटिव पार्ट जोटा को कि आमको अधिक ध्यान रखिबार थाए बट आम इग्नोर करती। तो मुझे से सहित ये इम्पोर्टेंट टॉपिक विषय कथा भी मो पाखे जी नॉलेज अच्छी मुझे जी जानी आपण मान सहित सेयार करी। तो आज मुझे सहित इंटीमेट हाइजीन वाश विषय कथ भी जमीक कहली। इंटीमेट हाइजीन वाश गोटे मानने इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सब झील सब महिला मान प्रति, जो मैंने आपको इग्नोर कर बहुत किसी प्रॉब्लम फेस करमती कि मुँह भी प्रथम ठूँ इग्नोर कर चलती। बट जिते बड़े मतलब डॉक्टर रिकमेंड कले से मुझे यूज कली और मतलब सब किसी प्रॉब्लम रु मुझ बाहर को बाहर से जापारे इंटीमेट हाइजीन वाश गोटे झीलपाई के इम्पोर्टाट। तो मुझे भाविली से सहित ये टपिक निश्चय शेयर करे ताकि जो मैंने जानी नथिबे जो मैंने टीनेज अच्छा से मानको हेल्पफुल हो। तो इंटीमेट हाइजीन वाश तो आपको मार्केट रे बहुत टाइप रो मिल जिवो, बट मु इन्वेस्ट करे सब बेले नमायारो इंटीमेट हाइजीन वाश उपरे, कहीं नमायारो आपण मैंने भावुथिबे नमायारो इंटीमेट हाइजीन वाश उपरे मु काहेकि इन्वेस्ट करे, अन्य तो बहुत किसी ब्रांड अच्छी। बट मोर इन्वेस्ट कर रीजन एटा जे नमायारो इंटीमेट हाइजीन वाश रे थाए हल्दी आउ चंदन रो गुडनेस, जोटा कि पुराणा कालर आपण मैंने जानते हल्दी चंदन आमर इन्फेक्शन को रोकवे बहुत हेल्प कै जो मेडिसीन किसी बाहरी नाला पुराणा जुगरू ही। तो हल्दी चंदन इन्फेक्शन सहित इरीटेसन काम डाउन करने आमर जो इरीटेसन स्किन स्किन जो इरीटेट हो जाए रेडनेस हो जाए काम डाउन करेंगे बहुत हेल्प कै। तो से जिनसा ये अच्छी हल्दी चंदन इंटीमेट हाइजीन वाश रे हल्दी चंदन रो गुडनेस अच्छी। तो फर्स्ट थिंग तो नमाया को चूज करियार कारण एटा, आ सेकेंड रीजन होची नमाया 100% फ्री ऑफ केमिकल, एथिरे नो सल्फेट नो पाराबिन, जोटा कि आमर सेंसिटिव पार्ट जोटा कि इंटीमेट पार्ट जोटा को आम इंटीमेट पार्ट कहते से बहुत सेंसिटिव थाए। तो आमको सब बेले ये डर थाए कि कोई प्रोडक्ट यूज करी जदि इन्फेक्शन होगा जदि मत सुट नकला जदि रेडनेस होगा जदि इचिंग होगा सेंसिटिव पार्ट जेहेतु आम बेस डरी जाती प्रोडक्ट चूज कला बेले। तो सेटा को आखि आगे रखिक मुझ नमाया को चूज करी कहीं केमिकल फ्री आईटा कौन भी साइड इफेक्ट दिए ये क्लेम करुच्छे। तो मुझे जितक दिन यूज करते भी कौन साइड इफेक्ट एथेरे आसीनी आईटा पीएच लेवल को मेंटेन करे कैसे किसी पाराबिन नहीं सल्फेट नहीं, तो आपन को कौन हानि पहुँचेबार कारण ही ना। सबुठ बेस्ट थिंग होती हल्दी चंदन रो गुडनेस अच्छी, आउ जेहेतु 100% केमिकल फ्री आपण आपको बिलीव करेंगे। आपको मुझे बहुत टाइम रु यूज कर बहुत भल रिजल्ट भी मिली, स्पेशली मुझे टू केमती यूज करे ट्वाइस डेली मुझे यूज करे, थरे मु सकाळे यूज करे थरे संध्यारे यूज करे। आउ जदि आपण ट्रावेल करुछंती कोठी की वैकेशन रे जाउछंती ट्रेन रे ट्रावेल करुछंती बा कोठी भी ट्रावेल करुछंती निश्चय निज पर्स रे आकु
ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ହାଇଜିନ୍ ୱାସ୍ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଇନଫେକ୍ସନ୍ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଯାହା ବି ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ପିରିୟଡ୍ସ ଟାଇମ୍ରେ ହଉ କି କୌଣସି ବି ଟାଇମ୍ରେ ହଉ, ଇଏ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏଯାଏଁ ନିଜ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ରେ ଆକୁ ଆଡ଼୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଛି ଆର, ବହୁତ କିଛି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦିଏ। ତା ସହିତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଝିଅମାନେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତି, କାହାକୁ କହିପାରନ୍ତିନି ଇଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟରେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଇଚିଂ ହୁଏ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ଆମର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବଗେରା ହେଇଯାଏ, କାହାକୁ କହିପାରନ୍ତିନି ଆଉ ବହୁତ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମସେ 2 ମନ୍ଥ ପଳେଇବ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଏମିତି କିଛି ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଆକୁ ଇଜିଲି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆପଣ କୌଣସି ବି ଛୋଟ ପର୍ସରେ ବି ଆକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଇଛି, ଏଠି ପୁଶ୍ କଲେ ଏଇଟା ଓପନ୍ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଓପନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ବାସ୍ ଟିକେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜେଲ୍ ବେସ୍ ୱାଶ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ମାଇଲ୍ଡ ସ୍ମେଲ୍, ଆର ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଜେଲ୍ ଫର୍ମରେ ଯେହେତୁ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ଏଇଟା କ୍ଲିନ୍ କରିବ, ସ୍ମୁଥଲି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ରେ ଭାବନ୍ତି ସୋପ୍ରେ କ୍ଲିନ୍ କଲେ କାହିଁକି ହେବନି, ସୋପ୍ରେ ଥାଏ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସୋଢ଼ା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଏରିଆକୁ ଆହୁରି ଡ୍ରାଏ କରାଏ, ଇଚିଂ କରାଏ, ଡ୍ରାଏ ପ୍ୟାଚ୍ କରାଏ, ବହୁତ ସାରା ଅଧିକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଡ଼କୁ ଆମକୁ ଟାଣିକି ନେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ ସେସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଭରାଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯଦି ଆପଣ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ହାଇଜିନ୍ ୱାଶ୍ ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇଆ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସୋପ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆହୁରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଡ଼କୁ ନିଜକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ହିଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଯଦି ଆପଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ହାଇଜିନ୍ ୱାଶ୍, ତାହେଲେ ନମାୟା ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଉଛି, କେମିକାଲ ଫ୍ରି ବ୍ରାଣ୍ଡ। ତ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଥରେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ, ଆଉ ଆପଣ ବି ଆକୁ ବାରମ୍ବାର କିଣିବେ। ତ ଆର ଯେଉଁ ବାଇଙ୍ଗ ଲିଙ୍କଟା ଅଛି ମୁଁ ଆକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ଆପଣ ଆରାମସେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇକି ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ବାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯାହା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲି, ମୋ ନିଜ ନଲେଜ୍ରୁ ଦେଲି, ନିଜେ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଡିସ୍କସନ୍ କରେ, କାହିଁକି ନା ଏ କଥା ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରନ୍ତିନି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଖୀ, ତ ସଖୀ ଟକ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସଖୀ ଟକ୍ କଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ସଖୀ ଟକ୍ ଏପିସୋଡ଼ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆକୁ ବାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ଅଲ୍, ଟେକ୍ କେୟାର।